नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश ट्यूटोरियल आशीष सर। मैं हूं आशीष और हम स्टार्ट करेंगे आज ये एडिटोरियल इनह्यूमेन एंड अटरली अनडेमोक्रेटिक। दोस्तों, इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, अभी एडिटोरियल आपको सबसे जल्दी मिलेगा लेकिन एक दिन पहले का मिलेगा। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, असुविधा के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हो चुका हूँ मॉर्निंग में, इसलिए मेरी क्लासेस रहती हैं ऑफलाइन, तो मैं संभवतया उस डेट का एडिटोरियल आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन उससे पिछले डे का एडिटोरियल सबसे पहले आप तक आएगा। चूँकि हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो इंग्लिश इम्प्रूव करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें ये सीखना है, कैसे ग्रामर के रूल्स निकालें ये सीखना है, वोकैबुलरी एनहांस करना है। तो इसके लिए मैं नहीं समझता किसी डेट की आपको आवश्यकता है, डेट कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होगा, एक दिन पहले का एडिटोरियल सेशन आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मिलेगा, निश्चित रूप से बहुत जल्दी मिलेगा, सुबह 5 बजे ही आपको एडिटोरियल मिल जाया करेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ये सेशन, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे और आप कोऑपरेट करेंगे मुझे। और इस एडिटोरियल का जो PDF है और इसका जो स्क्रीनशॉट है, इसका जो वर्ड लिस्ट है, वो सब प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशीष क्लासेज ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जो अभी हाल ही में ग्रामर कोर्स हमने लॉन्च किया है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जो पेड कोर्स है ग्रामर का। अलग अलग टॉपिक्स वहाँ पर हैं और हर एक टॉपिक के कम से कम 100 प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे, बेहद उपयोगी वो कोर्स है, तो अभी आप उसे भी बाई कर सकते हैं। बैंक के कोर्सेज हैं, SSC के कोर्सेज हैं, तमाम प्रकार के कोर्सेज, बहुत सारे क्विजेस, सो मेनी फीचर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलरली इन आवर ऐप, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एडिटोरियल, इनह्यूमेन एंड अटरली अनडेमोक्रेटिक। क्या कहना चाह रहा है? इनह्यूमेन का मतलब होता है जो दयालु नहीं है, जो दयाहीन है, ठीक है ना, या फिर कहें ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? काइंड को बोलते हैं, जेनरस को बोलते हैं, तो ये जेनरस नहीं है। इन लग गया है प्रीफिक्स, इसका मतलब ये एंटोनिम बन गया है। अटरली का मतलब पूर्णतया, ठीक है ना, कम्प्लीटली। अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का लोकतांत्रिक होता है, तो अन जोड़ने से क्या बना? अलोकतांत्रिक। तो ये पूर्णतया इनह्यूमेन है, ठीक है, और पूर्णतया क्या है? अलोकतांत्रिक भी है। तो इनह्यूमेन है और अलोकतांत्रिक है, क्या चीज़ वो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। मोहम्मद सनाउल्लाज केस, तो मोहम्मद सनाउल्ला का जो केस है, मस्ट सर्व एज एन अर्जेंट कॉल, ये इस रूप में साबित होना चाहिए, कहना चाहिए कि इस रूप में होना चाहिए, कि कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, नोट कर लीजिएगा, कॉल फॉर का मतलब क्या है? डिमांड, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो तो आपको उस लिस्ट में मिलेंगे, लेकिन जो हाईलाइटेड नहीं है और आपको नहीं पता है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो मोहम्मद सनाउल्लाज केस, तो मोहम्मद सनाउल्ला का जो केस है, मस्ट सर्व एज एन अर्जेंट कॉल फॉर रीथिंकिंग, तो इस केस से एक डिमांड उठती है कि फिर से सोच विचार करना चाहिए। किस बारे में? रीथिंकिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर लग रखा है, प्रिपरेशन के बाद में ING लगता है। रीथिंकिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो NRC बोलते हैं इसको संक्षेप में, किसको बोलते हैं NRC? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को बोलते हैं। तो NRC पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ये किससे पता लग रहा है? मोहम्मद सनाउल्ला का जो केस है उससे ये पता लग रहा है कि इसकी आवश्यकता है कि आप NRC पे पुनर्विचार करें, रीथिंक करें, ठीक है। सो देर इज़ अ नीड ऑफ रिकंसिडरेशन ओवर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड दिस एग्जाम्पल हैज़ बीन सर्वड बाई मोहम्मद सनाउल्लाज केस। तो ये एग्जाम्पल है, ये आपको इस केस में मिलेगा कि क्यों रीथिंक करना चाहिए सब कुछ। वी विल हैव टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस आर्टिकल टू नो वॉट काइंड ऑफ सब हेडलाइन इज ऑल अबाउट। चलिए बात करें, ऑन 8 जून को अपॉन द ऑर्डर्स ऑफ द गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसके आदेश पर, मोहम्मद सनाउल्ला वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। मोहम्मद सनाउल्ला को बेल पर रिलीज कर दिया गया, जमानत पर रिहा कर दिया गया, ठीक है, बेल का मतलब जमानत। फ्रॉम डिटेंशन कैंप, डिटेंशन का मतलब होता है कैद, जेल, तो जेल से रिहा कर दिया गया असम में। किसके ऑर्डर पर? गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। कब? 8 जून को। ही हैड बीन डिटेन्ड ऑन May 29th, 29 मई को इनको गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था। अब ये हैड बीन दे रखा है तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। आफ्टर ए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल न्यायालय को बोलते हैं, लीगल कोर्ट को बोलते हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होता है? वो कोर्ट जहां पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आने वाले लोग हैं, उनके बारे में उनमें सुनवाई की जाती है, उस न्यायालय को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने जब डिसाइड किया था, हैड डिसाइडेड
हैड डिक्लेयर्ड हिम एन इलीगल इमिग्रेंट। सनाउल्लाह को कहा था कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, गैर कानूनी ढंग से ये हमारे देश में आया है। एक बात याद रखिएगा, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दो चीज़ें होती हैं। इमिग्रेंट जो शब्द है उसका मतलब है आने वाला, हमारे देश में आने वाला, और ई का मतलब एग्जिट है, ये हमारे देश से बाहर जाने वाला। तो ये गैर कानूनी रूप से हमारे देश में आया हुआ इमिग्रेंट है। द गुवाहाटी हाई कोर्ट्स बेल ऑर्डर केम आफ्टर ए वीक ऑफ सस्टेंड पब्लिक प्रेशर। सस्टेंड का मतलब है कंटिन्यूस, लगातार। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये जो बेल ऑर्डर, जमानत का जो ये आदेश आया, कब आया? एक सप्ताह का कंटिन्यूस एफर्ट रहा, कंटिन्यूस पब्लिक का प्रेशर बना रहा, ओकेजन्ड बाई। देखिए, ओकेजन मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ओकेजन का मतलब यहाँ पे अवसर नहीं है, ओकेजन यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और जब ओकेजन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स टू कोज समथिंग और टू ब्रिंग अबाउट, कोई चीज़ घटित होने का कारण बनने को बोलते हैं ओकेजन्ड। ठीक है, ओकेजन बाई द रेवल्यूशन, रेवल्यूशन का मतलब होता है रहस्य उजागर होना, सामने आना, रिवील होने का प्रोसेस। रिवील का मतलब क्या है? दर्शाना, है ना, टू डिस्क्लोज, तो उसको दर्शाने का जो प्रोसेस उसको रेवल्यूशन बोलते हैं। जस्ट मिस्टर सनाउल्लाह हैड सर्व्ड फॉर 3 decades इन द इंडियन आर्मी, जिसमें ये बताया गया कि मिस्टर सनाउल्लाह भारत की सेना में 3 दशक से काम कर रहा था। इस रेवल्यूशन के बाद ये पब्लिक प्रेशर जो बना एक सप्ताह का, उसके बाद इसका जमानत ऑर्डर आया। बात समझ में आ रही क्या? द गुवाहाटी हाई कोर्ट्स बेल ऑर्डर, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जमानत की जो याचिका आदेश है वो कब आया? एक वीक का जो बहुत लगातार जो प्रेशर बन रहा था पब्लिक के द्वारा, और ये पब्लिक का प्रेशर क्यों बन रहा था, इस बात को रिवील करने के बाद ये प्रेशर बना कि मिस्टर सनाउल्लाह जो है वो 3 दशक तक भारत की सेना में काम कर चुका है, इसके बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर आया। तो एक्चुअल में इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा? इस पैराग्राफ में देखिए, एक तो ओकेजन देखा, ओकेजन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घटित होने का कारण बनना। ठीक है, एक हमने ये देखा कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म आती ही है, ये याद रखना है। एक दो वर्ड और सीखे हैं, डिटेंशन हमने सीखा है, डिटेंशन का कैद होता है। एक वर्ड हमने सीखा है सस्टेन, सस्टेन का कंटिन्यूस होता है। ठीक है ना, और वैसे इस पूरे पैराग्राफ में अगर बात थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए कोई भी चीज़ को, तब आपको याद रहे कि एग्जैक्टली हमने क्या देखा है, क्योंकि पैसेज को बार बार में तो रीड नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में। तो पैसेज को सॉल्व करने का तरीका है कि आपको मेमोराइज भी रखना है, आपको याद में रखना है, याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमने पढ़ी है। तो इसमें ये पढ़ा हमने, एक बार देखे बिना थोड़ा सा रिकॉल करें कि 8 जून को गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका एक आदेश आया, जमानत आदेश आया। ठीक है, 29 मई को सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि कोर्ट ने माना, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल था, उसने माना कि ये इलीगल इमिग्रेंट है। अब ये आदेश कब आया, क्यों आया? इसलिए आया कि पब्लिक प्रेशर बना हुआ था एक सप्ताह से। पब्लिक प्रेशर इसलिए बना हुआ था क्योंकि वहाँ पे ये देखा गया कि भाई ये 3 दशक से भारत की सेना में काम कर रहा था, इसलिए इस रिवेलेशन होने के बाद, इस रहस्य उद्घाटन होने के बाद पब्लिक ने प्रेशर बनाया, उस प्रेशर के चलते गुवाहाटी हाई कोर्ट को 8 जून को ये आदेश पारित करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन द इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग का मतलब ऐसे मध्यस्थ को बोलते हैं, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना होता है, यहाँ पे इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, अ शॉकिंग नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज सर्फेस्ड। अ शॉकिंग नंबर ऑफ का मतलब है, नंबर ऑफ का मतलब तो बहुत बड़ी संख्या में होता है, अ शॉकिंग नंबर का मतलब हतप्रभ कर देने वाली या आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि बहुत बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आई। सरफेस का मतलब है ऊपर आ गई, इसका मतलब वो क्या है, सामने आ गई। तो इस इंटरवीनिंग पीरियड में, ये जो इंटरवीन पीरियड रहा, इस दरमियान 29 मई से 8 जून तक का जो पीरियड रहा, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज सामने आई। इन इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में द असम बॉर्डर पुलिस हैड रिटन दैट मिस्टर सनाउल्लाह वॉज ए लेबरर। उस असम बॉर्डर पुलिस जो है, असम जो सीमा पुलिस है, उसने कहा कि ये एक श्रमिक था, एक मजदूर था। द 3 men हु साइंड द केस रिपोर्ट क्लेम दैट, जो 3 आदमियों ने जिन्होंने केस रिपोर्ट को साइन किया था, उन्होंने दावा किया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड फैब्रिकेटेड देयर सिग्नेचर्स, कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसने जांच पड़ताल की थी इस केस की, उसने उनके सिग्नेचर्स को फैब्रिकेट किया था। फैब्रिकेट क्या होता है? फैब्रिकेट का मतलब होता है धोखे के पर्पज से बनाने को बोलते हैं, है ना, टू मेक अप फॉर द पर्पज ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने के पर्पज से कोई चीज़ बनाने को बोलते हैं फैब्रिकेट, मतलब सिग्नेचर खुद ने कर दिए थे। तो 3 men जिन्होंने केस रिपोर्ट को साइन किया, उन्होंने दावा किया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने उनके सिग्नेचर्स को खुद ने सिग्नेचर जो है उनके सिग्नेचर कर दिए थे। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हिमसेल्फ एडमिटेड दैट, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जो जांच पड़ताल कर रहा था, उसने खुद ने ये स्वीकार कर लिया था दैट इट माइट हैव बीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव मिक्सअप। मिक्सअप क्या है? मिक्सअप वैसे तो क्या कह सकते हैं, मिश्रण को बोलते हैं, मिक्सचर को बोलते हैं, लेकिन मिक्सअप नाउन है यहाँ पे, और मिक्सअप का यहाँ पे मतलब है कन्फ्यूजन ऑफ वन थिंग विद अनदर, कोई एक चीज़ का दूसरे से कन्फ्यूजन होना।
ठीक है ना। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खुद ने ये बात स्वीकार कर ली थी कि इट माइट हैव बीन, माइट इसलिए लगाया है कि रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। इट माइट हैव बीन हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिक्सअप रह गया हो, प्रशासनिक गलतियाँ रह गई हो, कन्फ्यूजन रह गया हो। येट इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सच शोडी मटीरियल, शोडी का मतलब होता है घटिया, और शोडी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि मटीरियल यहाँ पे नाउन है, तो शोडी मटीरियल का मतलब क्या हो गया, घटिया मटीरियल, ठीक है। तो येट इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सच शोडी मटीरियल दैट द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी, क्वेसी का मतलब होता है अर्ध को बोलते हैं, तो अर्ध न्यायिक एक निकाय कह सकते हो, क्वेसी का मतलब जो केवल अपेरेंटली जो दिखता हो बट नॉट रियली, जो वास्तव में नहीं हो, ठीक है ना। तो एक जुडिशियल बॉडी के रूप में जो काम करता है, एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल, उससे ये आशा की जाती है कि वो कानून का पालन करेगा, कानून को फॉलो करेगा। केम टू द कंक्लूजन, वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा दैट मिस्टर सनाउल्ला वॉज ए फॉरेनर, कि मिस्टर सनाउल्ला जो है फॉरेनर है, भारत का नागरिक नहीं है, एंड पैक्ड हिम ऑफ, पैक हिम ऑफ का मतलब है सेंड कर दिया, भेज दिया उसको कहाँ पर, टू ए डिटेंशन कैंप, कैद में भेज दिया, जेल में भेज दिया, अनटिल द हाई कोर्ट स्टेप्ड इन टू सेट हिम एट लिबर्टी। स्टेप इन का मतलब होता है शामिल होना, इन्वॉल्व होना, और तब तक वो कैद में रहा जब तक कि हाई कोर्ट ने स्टेप इन नहीं किया उसको स्वतंत्र करने के लिए। अभी तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया था कि इसको बेल पर छोड़ दिया जाए, तो जब तक ये इसने इंटरवीन नहीं किया था तब तक तो ये कैद में ही था, डिटेंशन में था। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा, एक दो वर्ड सीखे हैं, एक तो फैब्रिकेट सीखा है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने मिक्सअप सीखा है, पैक हिम ऑफ सीखा है। फैब्रिकेट का मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाने को भी बोलते हैं, फैब्रिकेट का झूठी कोई चीज़ बनाना होता है और इसका मुख्य उद्देश्य धोखा देना ही होता है। मिक्सअप का मतलब होता है कन्फ्यूजन, किसी एक चीज़ का दूसरे के साथ कन्फ्यूजन की स्थिति को मिक्सअप बोलते हैं। पैक समवन ऑफ का मतलब होता है किसी को भेजना। तो यहाँ पे क्या कहा गया था इस पैराग्राफ में कि जो समयावधि था, जो 8 जून और 29 मई से 8 जून का जो पीरियड रहा था, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई थी। अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसमें असम बॉर्डर पुलिस ने लिखा था कि सनाउल्ला जो है वो एक श्रमिक था। तीन व्यक्ति जिन्होंने साइन किया उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खुद ने हमारे साइन कर दिए थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खुद ने स्वीकार कर लिया था कि कुछ हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो, है ना, ये संभावना जताई उन्होंने। और फिर आगे इसमें बताया गया कि ये इस आधार पर था कि बड़ा ही घटिया आधार कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जिससे ये आशा की जाती है, एक क्वेश्चन जुडिशियल बॉडी है जिससे आशा की जाती है कि वो नियमों का अनुसरण करेगा, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक विदेशी है और इस कारण से उसे जेल भेज दिया गया, और फिर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसको लिबर्टी, मतलब सेट एट लिबर्टी का मतलब है उसको स्वतंत्र किया। बट मिस्टर सनाउल्ला इज अमंग द लकीयर वंस, सनाउल्ला जो है वो भाग्यशाली लोगों में से एक है, ये भाग्य ने उसका साथ दिया। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैव रिवील्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स ऑफ दिस काइंड आर द रूल रदर देन द एक्सेप्शन, कि किस कारण से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो भी पत्रकार हैं जिन्होंने इस प्रकार के केसेस की जांच पड़ताल की है, उन्होंने ये बात उजागर की है, रिवील की है कि पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की जो प्रशासनिक गलतियां हैं वो रूल हुआ करती हैं, ये कोई ऐसा अपवाद नहीं है, ये हमेशा ऐसा देखने में आता है, और जो हश्र होता है लोगों का जिनको कैद होती है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब भाग्यशाली हैं। एज मिस्टर सनाउल्ला एक्नॉलेज्ड इन एन इंटरव्यू, एक्नॉलेज्ड का मतलब स्वीकार करना है, तो जैसे कि मिस्टर सनाउल्ला ने एक इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड का मतलब है स्वतंत्र किए जाने के बाद, मुक्त किए जाने के बाद, आज़ाद होने के बाद, कि देयर वर पीपल इन द डिटेंशन कैंप्स विद सिमिलर स्टोरीज, कि ऐसी ही कहानी बहुत सारे लोगों की वहाँ पे हैं, जिन लोगों को कैद किया गया है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी उससे मिलती जुलती है, हु हैड बीन देयर फॉर 10 years और मोर, और वो वहाँ 10 साल या 10 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। फॉर दीज इंडिविजुअल्स, इन व्यक्तियों के लिए, विदाउट द बेनिफिट ऑफ मीडिया स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है सूक्ष्म जांच पड़ताल को बोलते हैं स्क्रूटिनी, जो बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसको बोलते हैं स्क्रूटिनी। तो फॉर दीज इंडिविजुअल्स, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, विदाउट द बेनिफिट ऑफ मीडिया स्क्रूटिनी, देयर मे बी नो बेल, तो अगर यहाँ पे स्क्रूटिनी ना हो, मीडिया स्क्रूटिनी ना हो, मीडिया अगर इंटरफेयर ना करे, तो हो सकता है कि उनको कोई जमानत भी ना मिले। ओनली एन एंडलेस डिटेंशन, केवल और केवल अंतहीन कैद रह जाएगी, केवल उनको बहुत बड़ी कैद का सामना करना पड़ेगा। बट बाई फोर्सिंग द कॉन्वर्सेशन ऑन टू द नेशनल स्टेज, मिस्टर सनाउल्लाज केस हैज प्रोवाइडेड होप दैट वी मे येट रिकोगनाइज द अनफोल्डिंग सिटीजनशिप ट्रेजिडी इन आसाम फॉर वॉट इट इज़ एंड स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक वाइल देयर इज स्टिल टाइम।
बट बाई फोर्सिंग द कॉन्वर्सेशन ऑन टू द नेशनल स्टेज, लेकिन ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जो भी ये मतलब बातचीत हुई मीडिया के साथ में, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इसको नेशनल स्टेज पर लाने के बाद में क्या हुआ, जब राष्ट्रीय मंच पर ये कहानी आई तो मिस्टर सनाउल्ला का जो केस है उसने आशा जगाई है, प्रोवाइडेड होप, उसने आशा जगाई है कि वी मे येट रिकोगनाइज द अनफोल्डिंग सिटीजनशिप ट्रेजिडी. अनफोल्डिंग सिटीजनशिप ट्रेजिडी, अनफोल्डिंग का मतलब तो है सामने लेकर आना, रहस्य उजागर करना, कि जो सिटीजनशिप ट्रेजिडी है, नागरिकता की जो एक दुखांत घटना है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सामने लेकर आ सकते हैं असम में, फॉर व्हाट इट इज़ एन स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक वेयर देयर इज स्टिल टाइम. और हम उस छोर से वापस लौट सकते हैं, स्टेप बैक कर सकते हैं वाइल देयर इज स्टिल टाइम, क्योंकि अभी समय है, क्योंकि वहाँ पर इतना नहीं है कि भाई अभी तक उनको कैद सहन करनी पड़ेगी, लोग जो जेल में हैं उनको झेलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो स्टेप बैक कर सकते हैं अगर हम कुछ कोशिश करें. ये एक आशा जगाई है सनाउल्ला के केस ने. अब देखिए इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा, इस पैराग्राफ में देखिए वर्ड्स तो हमने कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन एक बात जो हमने अभी तक बात की है, एक बार बिना पढ़े अगर हमने नहीं देखा इसको, फिर भी अगर कोशिश करें रिमाइंड करने की, तो क्या था कि इसको कहा गया सनाउल्ला जो है एक लकीयर वन कहा गया, थोड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इसने एक इंटरव्यू दिया, इसने कहा कि हम उस जैसे बहुत सारे लोग डिटेंशन कैंप में थे और वो लोग 10-10 वर्षों से वहाँ पे जेल काट रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है. और जब ये केस की जो कॉन्वर्सेशन था इसका और उसको नेशनल स्टेज पर लाया गया, तो एक आशा जगी है कि उन लोग जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ पर, उनके केस में भी कुछ हो सकता है अगर मीडिया स्क्रूटिनी हो, अगर मीडिया थोड़ा सा इंटरफेयर करे, तो ऐसा हो सकता है देश के सामने मुद्दा अगर आए तो कुछ वहाँ पर आशा जग सकती है. एनआरसी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स, तो क्या कहना चाह रहा है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर जो कहा था सिटीजनशिप वाला केस, और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स, इन दोनों की बात है. अकॉर्डिंग टू द असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड का मतलब है असम एग्रीमेंट, तो असम एग्रीमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार है, अकॉर्डिंग में टू ही लगता है, तो असम एग्रीमेंट के अनुसार इंडिविजुअल्स हु एंटर्ड असम, एंटर के साथ में कुछ प्रिपरेशन नहीं लगता है, अगर प्रवेश करना इसका मीनिंग है तो वो इंडिविजुअल जिन्होंने असम में प्रवेश किया था 24 मार्च 1971 के बाद, आर इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको कहा जाता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो गैरकानूनी ढंग से देश में आए हैं. देर आर टू पैरेलल प्रोसेसेस टू एस्टैब्लिश सिटीजनशिप, सिटीजनशिप स्थापित करने के, किसी भी देश की नागरिकता प्रदान करने के, हमारे देश का एटलीस्ट नागरिकता प्रदान करने के दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं, दो तरीके हैं. देखिए देयर से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस, तो पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम नाउन का या सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. तो देयर आर टू पैरेलल प्रोसेसेस, दो पैरेलल प्रोसेसेस हैं. कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, टू एस्टैब्लिश सिटीजनशिप द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑपरेटिंग अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, एक तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल वाला है कि न्यायालय मान ले जो फॉरेनर्स एक्ट के अधीन चलता है, एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के द्वारा, विच इज़ अंडर प्रिपरेशन, जो कि अभी तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, वाइल नॉमिनली एंड फॉर्मली इंडिपेंडेंट, नॉमिनली कम से कम रूप में, फॉर्मली औपचारिक रूप से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है. इन प्रैक्टिस व्यवहारिकता में दीज टू सिस्टम्स ब्लीड इन टू ईच अदर, ब्लीड इन टू का मतलब है एक दूसरे पर शामिल है, एक दूसरे में इन्वॉल्व है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. विद पीपल हु हैव बीन declared as foreigners by the foreigners tribunal and even their families dropped from the draft NRC. तो इन प्रैक्टिस व्यवहारिक रूप में अगर देखें, ये दोनों सिस्टम जो है एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें जो लोग हैं who have been declared as foreigners, जिन्हें विदेशी करार दे दिया गया है, जो विदेशी हैं, by the foreigners tribunals, foreigners tribunals के द्वारा, इस न्यायालय के द्वारा, and even their families, और यहाँ तक कि उनका परिवार भी है, dropped from the draft NRC, उनको NRC में भी उनको स्थान नहीं मिला, तो दोनों दूसरे से इन्वॉल्व सिस्टम हैं. तो इस पैराग्राफ में क्या सीखा है, इस पैराग्राफ में हमने यह सीखा है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और NRC का महत्व क्या है, किस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं. तो टू पैरेलल प्रोसेसेस आर देयर, और इन टू पैरेलल प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स है वो फॉरेनर्स एक्ट, मतलब ट्रिब्यूनल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स है उसके अकॉर्डिंग और NRC के अकॉर्डिंग, दोनों चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं. ब्लीड इन टू का मतलब यहाँ पे यही है, फॉर समथिंग एज एलिमेंटल एंड इम्पॉर्टेंट एज सिटीजनशिप, one would expect these systems to be implemented as carefully as possible and with procedural safeguards. Safeguards means safety, you can say. So for something as elemental important as citizenship, कोई वो चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है और elemental है, elemental का मतलब प्राथमिक है, priority जिसकी है, one would expect these systems to be implemented, कोई भी व्यक्ति जो है वो expect करेगा, वो आशा रखेगा इस चीज़ की कि इस प्रकार के जो systems हैं, चाहे वो NRC है या फिर जो foreigners tribunals हैं, to be implemented as carefully as possible, उसको बहुत ही सावधानी से implement किया जाए, and with procedural safeguards, और बहुत ही तरीके से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसका यूज़ किया जाए. This is specially true when we think of the consequences of being declared
एंड नॉन सिटीजन डिसएनफ्रेंचाइजमेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज इनकार्सनेशन इन डिटेंशन कैंप्स स्टेटलेसनेस एंड डिपोर्टेशन सो मैनी थिंग्स आर देयर. तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज स्पेशली ट्रू, ये विशेषता सत्य भी है. When we think of the consequences, जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं कि अगर किसी को नॉन सिटीजन करार दे दिया जाए, किसी को कह दिया जाए कि ये देश का नागरिक नहीं है, तो उस केस में बहुत सारी चीज़ें देखने में आएगी. एक तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट देखने को आएगा. डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब है कि उसको मत देने का अधिकार नहीं रहेगा, मत देने के अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाएगा. एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवा है उससे उसको हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा. इनकार्सरेशन का मतलब क्या है, इनकार्सरेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद कर दिया जाएगा डिटेंशन कैंप में. स्टेटलेसनेस, राज्य जिस राज्य में रहता है उससे उसको बाहर जाना पड़ेगा. एंड डिपोर्टेशन, प्रत्यार्पण, मतलब उनको देश से निकाला जा सकता है. तो किसी को नॉन सिटीजन कहने के ये मतलब हो सकते हैं. अ ह्यूमन बींग टू सच सॉरी बिफोर ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल अ ह्यूमन बींग, किसी भी मानव को ट्रीट करने से पहले, टू सच ड्रेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज, इस प्रकार के जो बहुत ही ड्रेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है, इस प्रकार के जो बदलाव आते हैं, अमूलचूल परिवर्तन आते हैं, बहुत ही तीव्र गति के जो बदलाव आते हैं. द वेरी लीस्ट अ ह्यूमन एंड सिविलाइज सोसाइटी, द वेरी लीस्ट अ ह्यूमन सोसाइटी कैन डू इज टू एंश्योर दैट द रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड टू इट्स लास्ट डिग्री. बहुत ही कम, बहुत ही लीस्ट तरीके से कोई भी मानवीय या सभ्य सोसाइटी जो है वो कर सकती है वो ये कि वो सुनिश्चित कर सकती है दैट द रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड, कि कानून का पालन किया गया है, कानून के नियमों का पालन किया गया है टू इट्स लास्ट डिग्री, अपने अंतिम स्तर तक. तो लेकिन मानव होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को नॉन सिटीजन करार दे दिया जाता है इसका मतलब न तो मत देने का अधिकार उसके पास रहेगा, ना ही वो स्टेटलेसनेस की स्थिति में आ जाएगा, ना ही वो उस स्टेट में रह पाएगा, उसको कैद कर दिया जाएगा, पब्लिक सर्विसेज से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा. तो मानव होने के नाते हमें इस प्रकार के केसेज में थोड़ा सेंसिटिविटी बरतते हुए काम करना चाहिए. द रियलिटी हाउएवर इज द एग्जैक्ट अपोजिट, लेकिन वास्तविकता ये है बिल्कुल अपोजिट है. इन ए वास्ट नंबर ऑफ केसेज, बहुत विशाल संख्या में केसेज हैं, बहुत बड़ी संख्या में केसेज हैं, द लीगली मैंडेटेड इनिशियल इंक्वायरी, मैंडेटेड का मतलब आदेशित, ऑर्डर्ड, जो न्यायिक तौर पर इनिशियल इंक्वायरी होती है, शुरुआती जांच पड़ताल होती है, बिफोर एन इंडिविजुअल इज ड्रैग्ड बिफोर ए ट्रिब्यूनल एज ए सस्पेक्टेड फॉरेनर, सिंपली डज नॉट हैपन. इनडीड इट डिड नॉट हैपन फॉर मिस्टर सनाउल्ला. तो रियलिटी बहुत ही अलग है, बहुत बड़ी संख्या में केसेज जो हैं, जो लीगली मैंडेटेड इनिशियल इंक्वायरी होती है, बिफोर एन इंडिविजुअल इज ड्रैग्ड बिफोर ए ट्रिब्यूनल सस्पेक्टेड फॉरेनर, कि किसी भी संदेहास्पद फॉरेनर है, किसी को ये कह दिया जाए, संदेह हो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, बाहर का है, तो उसको उस कटघरे में घसीटने से पहले, ड्रैग का मतलब घसीटना है, तो बिफोर एन इंडिविजुअल इज ड्रैग्ड, जब उसको घसीटा जाता है किसी भी न्यायालय में एक सस्पेक्ट के आधार पर, तो उससे पहले न्यायिक इंक्वायरी जो होनी चाहिए वो एक्चुअल में होती नहीं है. सिंपल डज नॉट हैपन, वो सिंपल तौर पर नहीं होती है वास्तव में. और इट डिड नॉट हैपन फॉर मिस्टर सनाउल्ला, और इस केस में भी ऐसा हुआ नहीं हुआ, इनिशियल इंक्वायरी नहीं की गई. फिर कहा गया, ट्रिब्यूनल्स देमसेल्व्स आर ओनली कॉन्स्ट्रेंड बाई ए वेरी लिमिटेड नंबर, जो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो खुद भी कॉन्स्ट्रेंड है. कॉन्स्ट्रेंड का मतलब है उनमें भी रुकावट है, बाधाएँ हैं, उनके मार्ग में बहुत सारे कह सकते हो इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स हैं. बाई ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, किस प्रकार से बहुत सीमित संख्या में उनके सेफगार्ड्स हैं, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं, कुछ गैर तरीके हैं, उनमें कुछ सेफगार्ड्स अपनाए नहीं जाते हैं. दिस इज लेड टू सिचुएशंस, इससे वो ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं वेयर ट्रिब्यूनल्स हैव इश्यूड नोटिसेस टू एंटायर फैमिलीज, जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स ने, न्यायालयों ने, ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं जहाँ पर न्यायालयों ने पूरे पूरे परिवार को नोटिस दे डाला है, इंस्टीड ऑफ जस्ट द सस्पेक्टेड फॉरेनर, केवल उसकी बजाय जो सस्पेक्टेड फॉरेनर है उसकी बजाय पूरे परिवार को यह नोटिस दिया जाता है. एडिशनली, इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट्स शो दैट, रिपोर्ट्स में ये भी दर्शाया जाता है दैट फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैबिचुअली डिक्लेयर इंडिविजुअल्स टू बी फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैं वो इंडिविजुअल्स को डिक्लेयर कर देती है, हैबिचुअली आदतन रूप से डिक्लेयर कर देती है कि वो फॉरेनर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लेरिकल एरर्स इन डॉक्यूमेंट्स, केवल जो क्लेरिकल एरर्स होती है डॉक्यूमेंट्स में, जो भी गलतियां होती हैं उसके आधार पर, सच एज ए स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक मान लीजिए, एंड इनकन्सिस्टेंसी इन एज, कभी उम्र में गलतियां कर देते हैं, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से गलतियां चलती हैं. नीडलेस टू से, इसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है, द हार्डेस्ट हिट बाई दिस फॉर्म ऑफ जस्टिस आर द वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड, सबसे ज़्यादा प्रभावित, हार्डेस्ट हिट का मतलब है सबसे बुरी तरह प्रभावित जो हैं इस तरीके से,
ऑफ दिस फॉर्म ऑफ जस्टिस, इन न्याय के तरीके से वो कौन है, वो तबका है जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर तबका है, एंड द मार्जिनलाइज्ड, और जो जो भी वर्ग मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है समाज में, जो कह सकते हो कि उसको अनइम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रभावित हैं इससे, हु हैव लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन एट द बेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास इतने दस्तावेज होते नहीं हैं, एंड हु आर रेयरली इन अ पोजिशन टू करेक्ट एरर्स, और वो ऐसी स्थिति में भी नहीं होते हैं जिससे वो गलतियों को ठीक कर पाएँ अक्रॉस डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स में गलतियाँ हुई हैं। ऑन ओकेजन ऑर्डर्स डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप हैव बीन पास बाय ट्रिब्यूनल्स विदाउट इवन असाइनिंग रीजन्स, अ बेसिक साइने क्वा नन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। साइने क्वा नन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कोई भी इसेंशियल कंडीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थिति है। ऑन ओकेजन कई बार ऐसा होता है ऑर्डर्स डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप, वो आदेश जिसमें ये बताया जाता है कि सिटीजनशिप है कि नहीं है, नागरिकता है कि नहीं है, हैव बीन पास्ड, उनको पारित किया गया है कई बार ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, विदाउट इवन असाइनिंग रीजन्स, बिना कोई कारण बताए, अ बेसिक साइना क्वा नन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो कि एक बेसिक आधारभूत आवश्यकता होती है, एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी कानून में कि आप पहले कारण बताएं कोई भी आदेश पारित करने से पहले। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या जो लोगों की है, आर सेंट टू डिटेंशन कैंप्स, उन डिटेंशन कैंप भेज दिया जाता है, मतलब कैद में भेज दिया जाता है, विदाउट बीइंग हर्ड, बिना उसकी बात सुने, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स पार्टी ऑर्डर्स। एक्स पार्टी का मतलब क्या है, फ्रॉम और आउट ऑफ द पार्टी, जो पार्टी से हो या पार्टी से बाहर से हो, है ना, तो पार्टी या पार्टी से बाहर के इस आदेशों के आधार पर। एंड द डिटेंशन सेंटर्स देमसेल्व, और जो डिटेंशन सेंटर्स होते हैं, आर लिटिल बेटर देन कॉन्सेंट्रेशन कैंप, वो मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह ही, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या है, छोटे से स्थान पर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ पर कैद करके रखा जाता है, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं। वाइल फैमिलीज आर सेपरेटेड, वहाँ पे परिवार अलग अलग हो जाते हैं, एंड पीपल नॉट अलाउड टू मूव बियॉन्ड नैरो कन्फाइंड स्पेसेस फॉर ईयर्स और ऑन एंड, और काफ़ी वर्षों तक छोटे से स्थान से, संकीर्ण सा स्थान, नैरो प्लेस होता है, वहाँ से लोग अलाउ नहीं होते हैं कि वो मूव कर पाएँ, वहाँ से हलचल भी कर पाएँ। द प्रोसेस अंडर द NRC इज लिटिल बेटर, जो NRC के तहत प्रोसेस थोड़ा सा बेहतर है, किसकी अपेक्षा, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है उसकी अपेक्षा। ड्रीवन बाई द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से प्रेरित, इट हैज़ बीन डिफाइंड बाई सील्ड कवर्स एंड ओपेक प्रोसीडिंग्स, इट हैज़ बीन डिफाइंड बाई सील्ड कवर्स एंड ओपेक प्रोसीडिंग्स, तो कहना क्या क्या चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेरित होता है, इट हैज़ बीन डिफाइंड, इसको ऐसे परिभाषित किया है सील्ड कवर्स में, एंड ओपेक प्रोसीडिंग्स, ओपेक का मतलब अपारदर्शी प्रोसीडिंग, मतलब ये सामने नहीं आती प्रोसीडिंग्स जो भी हैं। फिर कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन अ बिहाइंड क्लोज डोर्स कंसल्टेशन विद द NRC कोऑर्डिनेटर, NRC कोऑर्डिनेटर के से बातचीत जो होती है बिहाइंड क्लोज डोर्स, खुले में जो बातचीत नहीं होती है, ओपन नहीं होती है, द सुप्रीम कोर्ट डेवलप्ड अ न्यू मेथड ऑफ असर्टेनिंग सिटीजनशिप, तो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है कि किस प्रकार से सुनिश्चित करना है नागरिकता को, असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ऑफ लग रहा है इसलिए ING लग रहा है, नोन एज द फैमिली ट्री मैथड, जिसे फैमिली ट्री मैथड के नाम से जानते हैं। दिस मैथड वॉज नॉट डिबेटेड और स्क्रूटनाइज पब्लिकली, इस तरीके को डिबेट में नहीं लाया गया, इस पर वाद विवाद नहीं किया गया, ना ही इस पर कोई स्क्रूटनी की गई, सूक्ष्म जाँच पड़ताल भी सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई, एंड ग्राउंड रिपोर्ट्स फाउंड दैट पीपल फ्रॉम द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है दूरस्थ स्थान, दूर का स्थान, और ग्राउंड रिपोर्ट्स में ये पाया गया, जो ज़मीनी हकीकत है उसमें ये पाया गया कि लोग जो कि दूर दूर स्थान से आते हैं, वर नॉट ओनली अनअवेयर ऑफ द मेथड, वो ना केवल इन चीज़ों से अनजान होते हैं, बट दोज हु वर अवेयर, लेकिन वो लोग जो कि अवेयर भी हैं, हैड पर्टिकुलर डिफिकल्टीज इन पुटिंग टुगेदर फैमिली ट्री, वो फैमिली ट्री को सही तरीके से पुट करने में उनको मुश्किल आती हैं, ऑफ द काइंड दैट वर इंक्वायर्ड द बर्डन फेल डिसप्रोपोर्शनेटली अपॉन वीमेन, क्योंकि ये भार जो है महिलाओं पे ज़्यादा पड़ जाता है, वो मतलब उनको अवेयर अगर हैं भी कि इस देश में ऐसे सिटीजनशिप प्राप्त करनी है, ये नहीं भी पता हो, तो अगर पता भी हो तो भी बहुत मुश्किलात उनको आती हैं। एंड रिसेंटली इट वॉज फाउंड, और अभी हाल ही में ये पाया गया है, दैट ए प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स कुड फाइल ऑब्जेक्शंस, कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट पीपल हुज नेम्स हैड अपियर्ड इन द ड्राफ्ट NRC, जिनका नाम NRC ड्राफ्ट में लिया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज पीपल वुड बी फोर्स्ड टू वंस अगेन प्रूव देयर सिटीजनशिप, और जिसके आधार पर ये लोग जो हैं फोर्स्ड होंगे, मजबूर होंगे एक बार फिर से अपने सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, हैड रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट ऑब्जेक्शंस, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, हैड रिजल्टेड इसका परिणाम क्या निकला कि हजारों भेदभाव युक्त ऑब्जेक्शंस बीइंग फाइल्ड, ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए ऑन ए सीमिंगली रैंडम बेसिस,
और ऐसा लगा कि रैंडम बेसिस पे किए गए हैं, कोई सीक्वेंस इसमें नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से किए गए हैं, कोजिंग सिग्निफिकेंट हार्डशिप, इसमें बहुत कठिनाई हुई, एंड ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब मानसिक कठिनाई मान सकते हैं, मानसिक आघात कह सकते हैं, टू काउंटलेस इंडिविजुअल्स, बहुत ज़्यादा लोगों को। हाउएवर फिर भी व्हेन द पीपल कोऑर्डिनेटिंग दीज ऑब्जेक्शंस वर कॉन्टेक्टेड, लेकिन जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया ऐसे ऑब्जेक्शन को, जो ऑब्जेक्शन उन्होंने फाइल किया, उनसे जब कॉन्टेक्ट किया गया, दे ब्रश्ड इट ऑफ। ब्रश इट ऑफ का मतलब होता है रिजेक्शन करना, डिसमिसल देना, कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है उसको हटा देना, तो उनको ब्रश ऑफ कर दिया इनको, ये कहते हुए कि दैट इट वॉज मेयर कोलेट्रल डैमेज, ये कहते हुए कि केवल उनका कोलेट्रल डैमेज हुआ है। कोलेट्रल का मतलब एक्चुअली क्या होता है, कोलेट्रल का एक जमानत मान लीजिए, या फिर कुछ रखना होता है किसी चीज़ के प्राप्त करने के एवज में, ये कोलेट्रल डैमेज है। इन द क्वेस्ट टू वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स, किस चीज़ में, इन द क्वेस्ट का मतलब है तलाश में, टू वीड आउट का मतलब जड़ से उखाड़ना है, खरपतवार को उखाड़ना है, इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब है जो गैरकानूनी ढंग से आए हैं उनको उखाड़ने के प्रयास में कोलेट्रल डैमेज ही हुआ है और कुछ नहीं, ये कहते हैं। तो इतना देखिए एडिटोरियल हमने पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से एडिटोरियल्स आपको मॉर्निंग में मिलते रहेंगे, आशा करता हूँ समझ पाएंगे। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए उस डेट का एडिटोरियल नहीं ला पाऊँगा, उससे पहले का, लेकिन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा एडिटोरियल, वर्ड्स मिलेंगे और हम और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल, टिल देन गुड बाय।